हेलो गाइस, आज दीदी का बर्थडे है और दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। और ये रहा दीदी का केक, ये रहा गिफ्ट, ये रहा कुकू का गिफ्ट। कुकू गिफ्ट दिखाओ अपना, गाइस को हेलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज रितु ने स्टार्ट किया मेरी वीडियो, तो मैं बना रही थी पकोड़े और रितु और उसकी फ्रेंड अचानक से मेरे बर्थडे वाले दिन आ गए थे मुझे सरप्राइज़ देने, तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो जल्दी जल्दी मैं पकोड़े और चाय बना रही थी। दीदी का बर्थडे है और मैं दीदी के घर पर आई हूँ और दीदी को सरप्राइज़ दिया है। आगे एक दिन पहले तो आ नहीं पाई थी क्योंकि मैं बिजी थी। अब मेरी दोस्त भी आई है, यहाँ राखी। ये कुकू ने गिफ्ट खोल दिया। दीदी हमारे लिए चाय पकोड़े बना के लाई है। बर्थडे गर्ल काम कर लो। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू। अब हम दीदी का केक काटने जा रहे हैं। इतने देर से हमारा जब से बोल रहे दीदी केक काट लो, पर दीदी केक काटने को तैयार ही नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए, जीजा इतने लेट आया है ऑफिस से। बहुत सुंदर लग रही है। बाकी दीदी तुम्हारी तैयार है। बर्थडे वाले दिन हम बहुत काम करवा रहे हैं, पहले पकोड़े बनवाए। वैसे तो मोदी जी है ही अपने, हो ना? हाँ। और कुकू मम्मा का बर्थडे। ये रही मोटो, पतली हो गई जो लड़की। कोई भी नहीं भाई, इतनी मोटी हूँ। नहीं, लड़की पतली हो गई। जीजा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगाओ पहले, तभी केक काटना।
गाइस मेरा केक भी कट गया है और अब हमारा आ रहा है खाना। खाना ऑर्डर किया है तो इन लोगों को जाना था पर मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। अब बर्थडे में आए तो भाई ऐसे थोड़ी ना जा सकते। तो खाना आ रहा है, खाने का वेट कर रहे हैं। और आज और कुकू को तो बस आज उसको दबा के मीठा मिल रहा है। आज उसके मुँह से उसके लिए खूब मीठा लेकर आई है, चॉकलेट वगैरह मफिन्स। तो आज ये देखो खोलने में लगी हुई है। तो यहाँ हो गया था रात का टाइम, तो हमारा खाना भी आ गया था और खाना खाते ही लोग चले गए थे। हम दोनों ही छोड़ने गए थे इनको। प्लान तो कुछ और था हमारा बाहर जाने का, लेकिन अच्छा हुआ रितु आ गई थी, उसने सरप्राइज़ ही दिया था आके। तो घर पे ही बर्थडे मन गया, बहुत अच्छा लगा। ये खाने वाली ये सूंघने वाली मैं सूंघने वाली हूँ, ये खाएगी मैं देखूंगी। और कुकु सो गई। तो यहाँ पे मैं शीशे में चेक कर रही थी कि सूट में तो बहुत मोटी लग रही थी, लेकिन पजामे टी शर्ट में हल्की फुल्की सी कम लग रही थी। और ये मेरी वन ऑफ फेवरेट टी शर्ट है। क्या अच्छा लग रहा है खाना? अच्छा, मैंने बनाया। मैंने नहीं बनाया, होटल से लाया। तो हम यहाँ पर आए हैं रितु को छोड़ने। और यहाँ कीचड़ कीचड़ हो रही है, आज बारिश हुई थी ना काफ़ी, और पूरा सजा रखे हैं दिवाली की वजह से। तो एक दिन बाद मेरे मम्मी पापा और मेरी भतीजी आई थी। भतीजा आया था घर पे दिवाली का सामान देने आए थे मम्मी पापा। तो यहाँ पे मम्मी पापा रेस्ट कर रहे थे थोड़ा, मम्मी भी लेटी हुई थी, पापा भी लेट गए थे क्योंकि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी भी थोड़ी बीमार रहते हैं मेरी। अभी फिलहाल मौसम भी ऐसे हो रहा है तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो पापा को ही फीवर वगैरह हो रहा था तो पापा लेटे हुए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खाना मम्मी पापा के लिए, मटर पनीर चावल और रोटी बनाई थी क्योंकि पापा सिंपल रोटी खाते हैं। वैसे तो पापा कभी भी खाना नहीं खा के जाते मेरे घर पे, लेकिन इस बार मैंने ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको खाना खिलाया तो वो लोग चले गए थे। और उनके जाने के बाद फिर मैंने खाना खाया था। और इस बार फर्स्ट टाइम आई थी टीवी पर गदर 2, तो मैं गदर 2 देखते हुए इन्जॉय करते हुए अपना खाना खा रही थी। और रोटी भी मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, तो ये मुझे ही एक खानी थी लेकिन मुझे 2 खानी पड़ गई। और इन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ाया था कैंडल, तो कैंडल ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मम्मी पापा आए थे, तो रात को कैंडल लेकर आए थे ये। तो इन्होंने बाहर जाके कैंडल उड़ाया था और कुकू सोच रही थी कि बम फूटेगा इसलिए वो कान में उंगली डाल के खड़ी हुई थी, उसको ये नहीं पता था कि ये उड़ेगा, ये सोच रही थी फूटेगा ये बहुत तेज। तो हमारी कॉलोनी भी सुमसाम पड़ी हुई थी। खैर ये तो रहती है सुमसाम क्योंकि बैक साइड है ये, फ्रंट साइड भी सुमसाम रहता है पूरा। और चलिए देखते हैं कैसे उड़ाते हैं ये। उड़ गया था वैसे तो, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए ना ये नीचे गिर गया था थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो ये है दिवाली वाला दिन। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने मंगाए थे न्यू कर्टन्स जो कि आज संडे था, लेकिन फिर भी आज उन्होंने डिलीवरी कर दी। तो मीशो से मैंने ये पर्दे मंगाए थे तो ये बहुत ही अच्छे आए थे, काफ़ी मतलब थिन नहीं थे, थिक थे और बहुत ही अच्छा इसका जो फैब्रिक था काफ़ी अच्छा था। तो जब ये लग जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं तो लगने के बाद विंडो पे। अभी तो मैंने विंडो खोली हुई है तो ये पूरा इसका गेटअप दिखाऊंगी आपको दूर से मैं बाद में, क्योंकि अभी यहाँ भी फैला हुआ है सामान सारा। और मैं पी रही हूँ कि चाय, चाय के साथ खा रही हूँ एक मफिन। और ये एक डॉगी है मेरा। अभी पूरा सेट करना है कमरा शाम तक,
लड़ी वगैरह लगाएंगे, देखेंगे दिवाली है क्योंकि आज तो, और अब तो लगता ही नहीं है फेस्टिवल, पहले ही लगते थे फेस्टिवल क्योंकि पहले मम्मी पापा रहते थे, हम भी छोटे रहते थे, पटाखे लेके आते थे, मिठाइयाँ लेके आते थे साथ में, नए नए कपड़े, और अब तो बिल्कुल कहीं भी नहीं लगता कि हाँ फेस्टिवल है। तो चलिए देखते हैं, और ये डॉगी बना पड़ा है तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, और साथ में है खीर जो कि मम्मी ने बनाई है सुबह, और कुकू के दादू लाए थे कुकू के लिए गाड़ी सुबह सुबह, तो ये उसी चीज़ में बिजी हो गई थी, और गाड़ी इसकी टी शर्ट से मैच थी और इसका गाड़ियों का शौक़ है बहुत ज़्यादा, जैसे कि लड़कियों को होता है डॉल्स टॉयज़ वगैरह का, तो इसको टॉयज़ का तो शौक़ है लेकिन टॉयज़ में इसको गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। और मैं सफाई कर रही थी यहाँ पे, मैं दो दिन से लगा रही थी नमक का पोछा, बोलते हैं ना कि दिवाली पे नमक का पोछा लगाओ तो मतलब अच्छा रहता है, तो मैं वो ही नमक का पोछा वगैरह लगा के पूरा कर्टन्स वगैरह इस पर टांग के क्लीन करके तो बैठ हुई थी मैं आराम से, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो गए हुए थे ड्यूटी, और वो नहीं इस टाइम पे आ गए थे वो, तो कुकू के भी कपड़े लाए थे, वो मेरे लिए भी अपनी ही पसंद का कुर्ता लेकर आए थे जो कि मैं शाम को पूजा में पहनूंगी, और आप लोग देखना कि वो मतलब कैसा मेरे लिए लेकर आए हैं। तो चलिए मैं और जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी के बचे हुए काम। तो हमने रूम में भी लाइट लगा दी थी और हमारा रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मीशो से जो कर्टन्स मंगाए थे वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा अच्छे नहीं लगेंगे, फ्लावर वाले तो अच्छे लग रहे थे, और दिवाली की तो वाइब्स ही अलग आती है। मुझे सबसे अच्छा मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, जो कि आज के दिन मैं बहुत ही खुश रहती हूँ और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं दिवाली वाले दिन, बहुत ही अच्छा लगता है, जिसका आसपास का दिन होता है ना दिवाली का, 10 दिन पहले से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है, लाइटिंग वगैरह दिए वगैरह जलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर दिए लगा रही थी, और ये वही सूट है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब मैं फ़्रॉक सूट पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन ये फ़्रॉक ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी इसलिए मैंने पहनी, और मेरे हस्बैंड की पसंद तो खैर है ही अच्छी, वो हमेशा मतलब मुझे अपने पसंद के ही कपड़े पहनाते हैं। और यहाँ पर आए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और मतलब भैया भाभी आए थे, और यहाँ पे कुकू से बम छुड़वाए थे, वो मिठाई देने आए थे, तो वो हर साल आते हैं हमारे घर पे, तो यहाँ पे बम वगैरह फोड़ रहे थे, और थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी उसके बाद बाहर आइसक्रीम वगैरह खाने, कुकू जिद कर रही थी बाहर घूमने की। तो हमारे यहाँ पर इतना मतलब जैसे धूमधड़ाके से मनाया जाता है, और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना ही वो होली मनाते ना ही वो दिवाली पे बम वगैरह फोड़ते, तो उनको किसी चीज़ का शौक नहीं है, तो सिर्फ खाने पीने का, और वो कपड़े भी मतलब बहुत कम फेस्टिवल्स पे पहनते हैं। और कुकू मेरे पीछे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कर रही है, तो कुकू तुम्हारे पापा को शौक नहीं है ना किसी चीज़ का? और कुकू यहाँ पे वहाँ से आके छोड़ रही थी फुलझड़ी, तो बम वगैरह तो इसके रखे हुए हैं, अभी भी हमने इसको फोड़ने नहीं दिए बम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है बम फोड़ने से, मुझे पहले पसंद थे लेकिन अब पसंद नहीं है बम फोड़ने, तो इसको फुलझड़ी ही हम जला के दे रहे थे, और इनको तो है ही नहीं किसी चीज़ का शौक, कपड़े भी नहीं पहनते किसी फेस्टिवल पे, नहीं ला के रख भी लेते हैं ना तो ये पहनते ही नहीं है, बोलते मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है, तो चलिए जिसको जो अच्छा लगता है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, किसी को हम नहीं बदल सकते और ना ही किसी को बदलना चाहिए, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको उसी स्वभाव में रहने दो तो अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत शौक है पहनने ओढ़ने का, कपड़े वगैरह ज्वेलरीज मेकअप का मुझे बहुत शौक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन, तो हैप्पी गोवर्धन, तो आज गाड़ियों की पूजा होती है, मशीनों की पूजा होती है, तो मैं इनकी गाड़ी की पूजा करने के लिए फ्लावर वगैरह तोड़ के, क्योंकि सुबह सुबह माला तो लेकर नहीं आए थे, तो मैंने कहा जो भी है चलो कोई बात नहीं इससे पूजा कर लेते हैं गाड़ी की, तो मैंने
अंदर बाबा को भी तिलक किया था, हनुमान बाबा को, और गाड़ी की पूजा करी थी। तो आज के दिन करनी ही चाहिए गाड़ियों की पूजा अपने अपने, और इन्होंने वॉश भी नहीं की थी गाड़ी अपनी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे बर्थडे की और दिवाली की वीडियो जो कि मैंने थोड़ी सी बनाई थी, और ये वीडियो मेरी सेव हो जाती है यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब पे इसलिए वीडियो बना के डाल देती हूँ क्योंकि एक मेमोरी के तौर पे कुकू भी बड़ी होगी तो वो देखेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो छोटी सी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।